आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में मंगलवार 20 जुलाई का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। महाकाव्य महाभारत में कौरवों की राजधानी हस्तिनापुर की कथा से जुड़े रहस्यों को जानने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई ने बड़ा कदम उठाया है। एएसआई की टीम मेरठ से लगभग 40 किलोमीटर दूर साइट पर खुदाई आरंभ करेगा। बीते 70 वर्षों में अपनी तरह की यह पहली बड़ी परियोजना है। इसके जरिए इतिहास में महाभारत को जमीन पर उतारने और पहले की खोजों को सुरक्षित करने के लिए नए प्रमाणों की तलाश की जाएगी। एएसआई के नवनिर्मित मेरठ सर्कल के सुपरिटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट ब्रज सुंदर गडनायक ने बताया कि अभी तक टीले वाले क्षेत्रों के संरक्षण और पुराने मंदिरों को नया रूप देने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। थोड़ा निर्माण भी हुआ है। हम सितंबर के बाद जब मानसून समाप्त हो जाएगा तब खुदाई पर गौर करेंगे। उन्होंने बताया कि हस्तिनापुर उन 5 स्थलों में शामिल है जिनका विकास केंद्र की ओर से प्रस्तावित किया गया है। 2020 के केंद्रीय बजट में राखीगढ़ी हरियाणा, शिवसागर असम, धोलावीरा गुजरात और आदि चल्लानूर तमिलनाडु के साथ हस्तिनापुर को आइकॉनिक साइट्स के रूप में विकसित करने के लिए चिन्हित किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 के उच्च संक्रमण दर वाले क्षेत्रों में बकरीद के अवसर पर केरल सरकार द्वारा दी गई छूट को पूरी तरह से अनुचित बताया है। अदालत ने कहा कि हम केरल सरकार को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निहित जीवन के अधिकार पर ध्यान देने का निर्देश देते हैं। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि केरल सरकार ने बकरीद के अवसर पर इस तरह की छूट देकर देश के नागरिकों के लिए राष्ट्रव्यापी महामारी के खतरे को बढ़ा दिया है। अदालत ने केरल सरकार को आगाह किया कि यदि बकरीद के लिए राज्य द्वारा दी गई ढील से कोविड-19 का और प्रसार होता है तो राज्य सरकार को कार्यवाही का सामना करना पड़ सकता है। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को केरल सरकार से आगामी बकरीद के त्योहार को देखते हुए राज्य में 3 दिन के लिए कोविड पाबंदियों में छूट देने के विरुद्ध दायर आवेदन पर सोमवार को ही पक्ष रखने का आदेश दिया था। पेगासस सॉफ्टवेयर से कथित जासूसी की रिपोर्ट सामने आने के बाद एक तरफ मोदी सरकार पल्ला झाड़ रही है तो दूसरी तरफ फ्रांस की सरकार ने इस मामले में बड़ा फैसला लिया है। फ्रांस ने इस सॉफ्टवेयर से जासूसी के मामले में जांच करने के आदेश दे दिए हैं। इस इजरायली सॉफ्टवेयर से भारत में भी 300 लोगों के मोबाइल नंबर्स की जासूसी का दावा किया गया है। इसमें 2 केंद्रीय मंत्री सहित राहुल गांधी, प्रशांत किशोर और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज पत्रकारों के नाम शामिल हैं। राज्यसभा में कोरोना पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने केंद्र की मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि वे खुद जिम्मेदारी नहीं लेते हैं बल्कि बलि का बकरा ढूंढते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की थी कि लोग थाली बजाएं, मोमबत्तियां जलाएं। लोगों ने उनकी बात पर भरोसा किया और वही किया, लेकिन उन्होंने अपने वादे को पूरा नहीं किया बल्कि निराश किया। लेकिन अब उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को लेने की बजाय स्वास्थ्य मंत्री को ही बलि का बकरा बना दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मैं देश के कोरोना योद्धाओं को सलाम करता हूं। डॉक्टर्स और पैरा मेडिकल स्टाफ ने अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर लोगों के लिए काम किया। खड़गे ने कहा, मैं उन लोगों को सलाम करता हूं जिन्होंने दिल्ली में ऑक्सीजन लंगर चलाया या फिर प्लाज्मा डोनेट किया और पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए। बीते वर्ष लॉकडाउन के निर्णय को लेकर भी खड़गे ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया। कांग्रेस नेता ने कहा कि नोटबंदी की तरह ही सरकार ने रातों रात ही लॉकडाउन का ऐलान कर दिया था।
उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की स्थिति अभी चिंताजनक बनी हुई है। वे ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। इस बीच मंगलवार दोपहर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने SGPGI पहुंचकर उनका हालचाल लिया। पूर्व मुख्यमंत्री की सेहत के बारे में बताया जा रहा है कि उनकी स्थिति गंभीर अवश्य है, लेकिन सारे मानक नियंत्रण में हैं। उनका स्वास्थ्य कल रात थोड़ा ज्यादा खराब हो गया था। पूर्व मुख्यमंत्री की सेहत को लेकर भारतीय जनता पार्टी, विभिन्न राजनीतिक दलों और उनके समर्थकों के बीच चिंता का वातावरण है। कल्याण सिंह ब्लड प्रेशर के अलावा यूरिन संबंधी समस्याओं से भी जूझ रहे हैं। मंगलवार सुबह से कल्याण सिंह का ब्लड प्रेशर नियंत्रण में बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री पहले की तरह रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे हैं। वे किसी से बात भी नहीं कर पा रहे हैं। उनसे मिलने आने वालों को वे आंख खोलकर देख अवश्य रहे हैं। ICU स्टाफ और परिवार के लोग संकेतों के माध्यम से उनका हालचाल पूछ रहे हैं। स्पेस इन दिनों चर्चा में है। वजह है वर्जिन के फाउंडर रिचर्ड ब्रैंसन और अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस का स्पेस टूरिज्म। इस बीच अंतरिक्ष से जुड़ी एक और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। नासा ने कहा है कि 24 जुलाई को पृथ्वी के पास से एक उल्का पिंड गुजरेगा। नासा का कहना है कि 24 जुलाई को जब ये एस्टेरॉयड गुजरेगा तो पृथ्वी से इसकी दूरी 0.04 AU रहेगी, यानी 37,18,232 मील। पृथ्वी से इसकी दूरी को ऐसे समझा जा सकता है कि चंद्रमा हमारी सतह से 2,38,606 मील दूर है, यानी ये चांद से भी बहुत ज्यादा दूरी से गुजरेगा। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर प्रतिदिन अपलोड होने वाले वीडियो अवश्य देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य, यात्रा या समारोह आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम से अब तक 30.8 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से सोमवार को राज्यसभा में यह जानकारी दी गई है। मंत्रालय ने बताया कि 2014 से अब तक कुल 30.8 करोड़ रुपए का राजस्व हासिल हुआ है, जबकि वर्ष 2017-18 में सबसे ज्यादा 10.64 करोड़ रुपए की कमाई हुई है। मन की बात कार्यक्रम का प्रत्येक महीने के अंतिम रविवार को सुबह 11 बजे ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन पर प्रसारण किया जाता है। अनुराग ठाकुर ने एक सवाल के लिखित जवाब में बताया कि प्रसार भारती की ओर से अब तक मन की बात के 78 एपिसोड प्रसारित हुए हैं। कांग्रेस ने पेगासस जासूसी विवाद को लेकर मंगलवार को सरकार पर हमला और तेज कर दिया और मामले में संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराए जाने की मांग की। कांग्रेस ने अन्य विपक्षी पार्टियों के साथ संसद के दोनों सदनों में यह मुद्दा उठाते हुए कार्यवाही भी बाधित की। विपक्षी सदस्यों ने पत्रकारों, नेताओं, मंत्रियों, न्यायाधीशों और अन्य लोगों की इजरायली पेगासस स्पाईवेयर से जासूसी कराए जाने के आरोपों पर दोनों सदनों में हंगामा किया और इस संबंध में गहन जांच की मांग की। इस मुद्दे पर अपनी रणनीति तय करने के लिए विभिन्न दलों के नेताओं ने संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आरंभ होने से पहले भेंट की। इनमें से कई नेताओं ने इस मुद्दे पर चर्चा की मांग करते हुए दोनों सदनों में कार्य स्थगन नोटिस भी दिया था। कांग्रेस प्रवक्ता शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि सरकार को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि उसने पेगासस स्पाईवेयर खरीदा है या नहीं और इस संबंध में संयुक्त संसदीय जांच करानी चाहिए। गोहिल ने पत्रकारों से कहा, हमने फोन टैपिंग के मुद्दे पर राष्ट्रीय सुरक्षा और संविधान के तहत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर चर्चा करने के लिए राज्यसभा और लोकसभा दोनों में कार्य स्थगन नोटिस दिया था। उन्होंने कहा कि पार्टी की मांग है कि सरकार जासूसी और फोन टैपिंग मामले की संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराने का आदेश दे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर
पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर तंज कसा है और उसे लालची साहूकार करार दिया है। राहुल गांधी ने मंगलवार सुबह ट्वीट किया कि यह सरकार पुरानी हिंदी फिल्मों के लालची साहूकार की तरह से काम कर रही है। राहुल गांधी ने कहा कि एक तरफ सरकार जनता को लोन लेने के लिए उकसा रही है तो वहीं दूसरी तरफ वह टैक्स वसूल कर मोटी कमाई करने में जुटी है। यह सरकार नहीं बल्कि साहूकार वाला रवैया है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, एक तरफ जनता को लोन लेने को उकसा रहे हैं, दूसरी तरफ टैक्स वसूली से अंधाधुंध कमा रहे हैं। सरकार है या पुरानी हिंदी फिल्म का लालची साहूकार। राहुल गांधी ने केंद्र पर यह हमला लोकसभा में दी गई उस जानकारी के बाद बोला है जिसमें कहा गया था कि पेट्रोल और डीजल पर सरकार की ओर से टैक्स कलेक्शन में 88% की बढ़ोतरी हुई है। बीते वित्त वर्ष में केंद्र सरकार को टैक्स कलेक्शन से 3.35 लाख करोड़ रुपए की कमाई हुई है। राहुल गांधी ने इस संबंध में एक मीडिया रिपोर्ट का स्क्रीनशॉट ट्वीट करते हुए यह बात लिखी है। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में शरद खरे से मंगलवार 20 जुलाई का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। बुधवार 21 जुलाई को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर उपस्थित होंगे। आपको ये ऑडियो बुलेटिन यदि पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब कैसे करना है यह प्रत्येक वीडियो के अंत में हम आपको बताते ही हैं। अभी आपसे अनुमति लेते हैं, नमस्कार। आइए अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के यूट्यूब को सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप ब्राउज़र खोलिए, ब्राउज़र में यूट्यूब टाइप कीजिए, या तो आपके पास अगर यूट्यूब का ऐप है तो यूट्यूब खोल लीजिए। यूट्यूब खोलने के बाद आप उसके सर्च बटन पर जाइए। सर्च बटन जो आपका ऊपर यहाँ पर दिख रहा होगा, इसमें आप ऊपर सर्च में जाइए, वहाँ LIMTY स्पेस दीजिए, KHARE ये टाइप कीजिए, लिमटी खरे, ये आपको लिमटी खरे खुला हुआ मिल जाएगा। लिमटी खरे अगर आप खोल, जैसे ही आपको ये मिलता है, आप ये राइट हैंड साइड में देखिए, सब्सक्राइब, लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा। इस सब्सक्राइब बटन को अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको सबसे पहले कहेगा कि आप जो भी आपका अकाउंट है उसमें आप अकाउंट से लॉगिन करिए। अगर आप पहले से लॉगिन हैं तो आपको ये सब करने की शायद ही ज़रूरत पड़े। ये देखिए आप लाइव लॉगिन हो जाएंगे, यहाँ किनारे में आपको यहाँ पे इसका यूट्यूब का बटन दिख जाएगा। अब ये सब्सक्राइब जो यहाँ पर लिखा हुआ है लाल रंग से, इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो सब्सक्राइब आ जाएगा। फिर इसके बाजू में जो ये घंटी बनी हुई, घंटी में ऊपर ऑल को क्लिक कर दीजिए। इस तरह से आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। और उसके बाद अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ वीडियोज़, प्लेलिस्ट, सब कुछ आपके सामने मौजूद मिल जाएगी। इस तरह आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।